गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। अब हम हिंदी विषय की बड़े भाई साहब पाठ की 14वीं वीडियो शुरू कर रहे हैं। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। संध्या समय में शाम का समय, एक दिन शाम के समय लेखक हॉस्टल से दूर एक कनकौवा मीन्स पतंग लूटने के लिए बेतहाशा करते हैं जिसे किसी की खबर ना हो, यानी बेसुध होकर दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्करण ग्रहण करने जा रही हो। अब देखिए, लेखक शाम के समय हॉस्टल से दूर एक कनकौवा लूटने यानी पतंग लूटने के लिए बेतहाशा यानी बेसुध दौड़े जा रहे थे। आंखें आसमान की ओर थीं क्योंकि पतंग आकाश में उड़ रही थी, इसलिए लेखक का ध्यान पूरा आसमान पर केंद्रित था और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। आकाशगामी मीन्स जो आकाश में चलने वाला, पथिक मीन्स राही। कौन था उस समय? पतंग की ओर यानी लेखक आसमान की ओर देखते हुए पतंग पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए धीमंद गति से झूमता हुआ, यानी धीमी धीमी उनका मन कैसा हो रहा था? मंद गति से झूमता हुआ पतंग मीन्स विनाश या गिरते हुए पतंग की ओर चला आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर, देखिए मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर, विरक्त का अर्थ नोट करिए अलग, यानी नए मन से, अलग मन से नए संस्करण, नए संस्करण में शुद्ध करना, नए संस्करण ग्रहण करने जा रही हो। ऐसा लग रहा था उनकी आत्मा प्रसन्न चित्त होकर नए संस्करण यानी नया नया संस्कार ग्रहण करने के लिए जा रही हो। बालकों को पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही थी, यानी जो साथ साथ में उनके पतंग उड़ाने वाले बच्चों की टोली थी, उनकी पूरी सेना लगे और झाड़दार, बताया गया जो बांस होते हैं पतले पतले, उसमें से कुछ नुकीली नुकीली पत्तियां निकली रहती हैं, वो लगे और बांसदार झाड़दार बांस कहलाते हैं, क्योंकि उसमें पतंग फंस जाती है तो लूटने में आसानी होती है। तो झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी, अर्थात बच्चों की टोली पतंग लूटने के लिए तैयार थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी, यानी सबका ध्यान किस पर केंद्रित था? पतंग पर केंद्रित था। सभी मानो उसी पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम है, ना गाड़ियां हैं, यानी सभी बच्चे कैसे पतंग के साथ साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। जहां जहां पतंग जा रही थी बच्चों की निगाहें उधर उधर चलती जा रही थी। जहां सब कुछ समतल है, ऐसा लग रहा था कि जो बच्चे तो नीचे सड़क पर ही दौड़ रहे थे, लेकिन उन्हें कैसा लग रहा था? जैसे आकाश, जैसे आसमान बिल्कुल साफ रहता है, वहां कुछ भी, जैसे कोई मोटर कार और ये ट्राम गाड़ियां सब नीचे पृथ्वी पर चलती हैं, लेकिन उन्हें नीचे की धम यानी पृथ्वी पर चलती हुई मोटर कार ट्राम गाड़ियां कुछ नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहां का रास्ता पूरा साफ है। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, यानी कि जो शायद बाजार से लौट रहे थे। अचानक, सहसा मीस अचानक, लेखक की बड़े भाई साहब से मुठभेड़, मुठभेड़ का अर्थ नोट करिए बच्चों, आमना सामना हो गया। जो शायद बाजार से लौट रहे थे, लेखक के बड़े भाई साहब उस समय बाजार से लौट रहे थे और लेखक से उनकी मुठभेड़ हो गई, उनका आमना सामना हो गया। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवों के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? उन्होंने कहा, ये जो साथ में जो दोस्त हैं, ठीक है, उनके लिए कहा गया है बाजारी लौंडों, यानी बाजारी लड़कों के साथ, यानी ये पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं। उन्होंने लेखक का हाथ पकड़कर उन्हें उग्रमीस क्रोध भाव से
उनसे कहने लगे कि इन जो आवारा लड़के हैं उनके साथ धेले, बच्चों नोट करिए, धेले का अर्थ है मुद्रा। ये पहले जमाने में अदला, धेला, पाई ये चलते थे, ये पहले जमाने की मुद्राएं, आजकल रुपए पैसे के नाम से जानी जाती हैं। तो धेले के यानी बहुत तुच्छ पैसे के लिए, कनकौवे के लिए, जो पतंग बहुत एक दो धेले की आती है उसके लिए तुम दौड़ते जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है कार्य करते हुए, तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं, लिहाज कर बच्चों नोट करिए, शर्म, तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि आप नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें कुछ शर्म नहीं है, तुम अब नीची जमात में, छोटी कक्षा में नहीं हो बल्कि किस कक्षा में हो, 8वीं कक्षा में हो, कक्षा में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो, यानी बड़े भाई साहब 9वीं कक्षा में थे और लेखक 8वीं कक्षा में आ गए थे। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। बड़े भाई साहब लेखक को समझाते हैं कि तुम्हें अपनी पोजीशन मीन्स पदवी का, यानी तुम पढ़े लिखे हो, अच्छे हो, हॉस्टल में अगर पढ़ाई हासिल कर रहे हो तो तुम्हें अपनी पदवी का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।